हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए 5 स्टॉक लेके आया हूँ जो आप कल यानी कि 27 मई 2021 के दिन थर्सडे के दिन अगर वो लेवल पे मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो, और साथों साथ आपको मैं जो स्टॉप लॉस बताऊँगा वो आपको फॉलो करना रहेगा गाइस। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि जो बुधवार के स्टॉक दिए थे मैंने 5 स्टॉक, उसमें से अपने 3 स्टॉक तो इनवैलिड सेटअप के हिसाब से वो इनवैलिड थे, तो उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। उसमें पहला था रेडिको खेतान, तो जो बाइंग लेवल दिया था उसके ऊपर ओपन हुआ था, गैप अप ओपन, तो वो इनवैलिड हो गया था। फिर एक है हेस्टर बायोसाइंस दिया था, वो भी इनवैलिड था, जो बाय लेवल दिया था वो आया ही नहीं था और वो स्टॉक वहाँ से नीचे गिर गया। फिर एक विंध्या टेली लिंक्स था, वो भी जो बाय लेवल दिया था उसके ऊपर गया ही नहीं था और वो स्टॉक वहाँ से नीचे आ गया था। तो वो ये 3 स्टॉक थे जो अपने मतलब इनवैलिड सेटअप की वजह से ट्रिगर नहीं हुए अपने बाइंग लेवल पे। और तो अपने 2 स्टॉक ओपन रहेंगे, एक ICICI सिक्योरिटीज़ का था, वो अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और बाइंग लेवल के आसपास ही है, तो वो अपना एक ओपन पोजीशन है। और एक फिलिप्स कार्बन ब्लैक है, वो एक अपना ओपन पोजीशन है, तो आप ये दोनों फॉलो कर सकते हो, कल तक उसमें टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये अपने बुधवार के स्टॉक का रिकैप था। अभी मैं आपको गुरुवार के लिए 5 स्टॉक लेके आया हूँ। तो उसमें पहले स्टॉक का नाम है गरासी मोटर्स इंडिया, उसमें आई साइलेंट है, आई गरासी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, आई गरासी मोटर्स इंडिया ये स्टॉक है जो पहला स्टॉक रहेगा। अपने बाइंग लेवल में आपको बता देता हूँ, सेम सेटअप रहेगा इसमें भी। तो देखो इसमें सेम सेटअप रहेगा, आपने 2 घंटे की कैंडल ओपन करके रखी है मैंने, तो आप देख सकते हो 2 घंटे का चार्ट है। ADX देखो 29 है यानी 25 के ऊपर है, और एक ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे क्रॉस नहीं किया, तो ये हो गया। और विलियम्स आर देखो पुल बैक में -80 के नीचे -98 है, तो अपना परफेक्ट सेटअप ऐसा हो जाएगा। तो इसमें अपने क्या करेंगे, 13-15 की कैंडल को वॉच करेंगे, 13-15 की कैंडल का हाई लो देख लेते हैं, और दूसरी कैंडल उसके बाद 15 मिनट की बनती है जो, तो वो भी हाई लो अपने देख लेते। तो 13-15 की कैंडल गाइस, ये 2 घंटे का चार्ट है, तो इसमें 2 घंटे का चार्ट आपको पता ही होगा, जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। पहले दो मतलब पहली कैंडल बनती है वो 9:15 से 11:15 की बनती है, दूसरी कैंडल आप देख सकते हो 11:15 से 1:15 की बनती है, तीसरी कैंडल 1:15 से 3:15 की बनती है। तो अपने वो कैंडल का हाई लो नोट करते हैं, और उसके बाद 15 मिनट की कैंडल बनती है यानी 3:30 को मार्केट बंद होता है। तो ये हो गया अपनी 2 कैंडल में जो हाई लो ज़्यादा रहेगा वो अपने नोट करेंगे। तो इसमें देखो हाई है 459.90 और इसमें लो है 455 का, तो यानी लो एक कैंडल का यूज़ करेंगे और हाई इसका यूज़ करेंगे। तो ये स्टॉक को आई गरासी मोटर्स इंडिया है, उसको अपने बाय कर सकते हैं, लेकिन कौन से लेवल पे बाय कर सकते हैं, जब भी ये स्टॉक 459.90 के ऊपर जाएगा यानी 10 पैसा ऊपर यानी 460 के आप लेवल लगा सकते हो, जब भी 460 जाएगा तो अपने इसमें बाय कर सकते हो। लेकिन गाइज आपको मैं बता दूं कि अगर स्टॉक ये जो लेवल है जो हाई है वो लेवल पे अगर ओपन होता है या तो उसके नीचे ओपन होता है तभी अपने वैलिड सेटअप गिनेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। आज रेडी को खेतान में ऐसा ही था, तो वो इनवैलिड सेटअप हो गया, तो ऐसे ही अपने बाय कर सकते हैं। तो आप इसमें बाय कर सकते हो, कब बाय कर सकते हो, 459.90 यानी 460 के लेवल पे आप बाय कर सकते हो, ट्रिगर प्राइस उसकी 460 हो जाएगी। और अपना स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा वो एक कैंडल का लो रहेगा यानी 455 रहेगा, एक कैंडल का लो देख सकते हो, 455 के नीचे 10 पैसा लगा सकते हो, यानी अपने इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, करीब 5 रुपीज़ का अपना रिस्क हो गया, और रिवॉर्ड कितना रहेगा, तो अपने 2% प्रॉफिट लेते हैं इसमें, यानी 455 का स्टॉक है तो अपने राउंड फिगर 400 का स्टॉक समझते हैं, यानी 8 रुपीज़ का इसमें आप रिवॉर्ड ले सकते हो, आपका रिस्क 5 रुपीज़ का है और 8 रुपीज़ का रिवॉर्ड ले सकते हो। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया। अभी दूसरे स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है GTPL। गाइज आप मेरे स्विंग ट्रेड जो संडे को दिए थे वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, सारे स्टॉक बहुत अच्छे ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक तो 15% 20% भी चले गए, तो आप मेरे स्विंग ट्रेड भी देख सकते हो, वीडियो मैंने संडे को दिया था टॉप 6 स्विंग ट्रेड, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, डाकोस भी देता है वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो आप भी अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हो मतलब 1 महीने के लिए, तो वो वैसे वो ट्रेड भी ले सकते हो मैं स्विंग ट्रेड में जो देता हूँ। अभी दूसरा स्टॉक का नाम है GTPL। तो GTPL में अपने देख सकते हैं कि सेम सेटअप रहेगा, 2 घंटे का कैंडल है आप देख सकते हो, ADX देखो 61 है और विलियम्स आर देखो
पुल बैक में -80 के नीचे। तो अभी अपने क्या करेंगे, इसमें 13-15 की कैंडल देख लेते हैं और उसके बाद की कैंडल देख लेते हैं। तो 13-15 की कैंडल का हाई ज़्यादा है और इसका लो ज़्यादा है, तो यानी हाई इसका लिए यूज़ करेंगे और लो इसका यूज़ करेंगे। तो हाई अपने को पता चल गया, कब बाय करना है GTPL को, जब भी ये 147.10 के ऊपर जाएगा तब अपने बाय करेंगे, यानी 10 पैसा ऊपर, यानी 147.20 अपनी ट्रिगर प्राइस हो जाएगी। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो प्राइस है 147.10 उसके ऊपर ओपन होता है गैप अप, तो अपने इसको इनवैलिड सेटअप गिनेंगे। ये स्टॉक या तो ये लेवल पे या तो उसके नीचे ओपन होना चाहिए, फिर वो ऊपर जाना चाहिए, तभी अपना वैलिड सेटअप काउंट होगा। या तो जो लो मैं बताऊंगा उसके नीचे भी ओपन होता है तो भी इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो अपने को बाइंग लेवल पता चल गया है, 147.20 अपने बाय कर सकते हैं, और उसमें अपने लो कौन सा लगाएंगे, लो एक कैंडल का जो लो है 146, यानी अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 155.90, 10 पैसा नीचे। तो अपने इसमें रिस्क कितना हो गया आप देख सकते हो, रिस्क करीब अपना ₹1.30 जितना हो गया, और रिवॉर्ड अपने कितना लेंगे, ₹2 का लेंगे। इसमें ₹2 तक ऊपर जा सकता है, यानी 147.20 अपने बाय करेंगे। अपने देख लेते हैं उसका हाई क्या था, बाइंग लेवल। हाँ देखो, 147.20 पे बाय करेंगे तो कैसे अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो जब भी ये स्टॉक है ना 149.20 जाएगा तो अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, तो आप ये टारगेट लगा सकते हो अगर आपका बाइंग में हो जाता है। आज ऐसा ही हुआ था एक फिलिप्स कार्बन में, देखो मैं आपको बता दूं, फिलिप्स कार्बन आज मैंने दिया था जो वेनसडे को स्टॉक, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, तो उसमें क्या दिया था देखो मैं बता दूं आपको, 225 के ऊपर बाय दिया था, और स्टॉक भी देखो आप देख सकते हो आज ओपन क्या हुआ था, 225 पे हुआ था, फिर वो स्टॉक नीचे चला गया 222 मतलब वहाँ तक गया था, फिर से वो स्टॉक ऊपर गया। इसलिए अपने इसको वैलिड सेटअप गिनते हैं, क्योंकि वो लेवल बताया वहाँ पे और उसके नीचे गए फिर ऊपर गया। और देखो आज हाई भी मारा था स्टॉक ने, 228.80 का मारा था, अपने 225.10 पे बाय करते हैं स्टॉक, अपना तो टारगेट कितना था ₹4 का, यानी 229.10 अपना टारगेट रहता है, लेकिन 228.80 का हाई मारा, यानी 30 पैसे से अपना टारगेट अचीव करने में रह गया स्टॉक, नहीं तो अपना टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, मैं आपको बोलता हूँ कि 2 से 3 दिन अगर होल्ड रखोगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है और आराम से ये लेवल भी जा सकता है, अगर आप ट्रेल स्टॉप लॉस से फॉलो करोगे तो ये लेवल भी जा सकता है। आपको मैंने कल भी एक बताया था लक्स इंडस्ट्री, सेम सेटअप था, आप देख सकते हो आज 17-18% मूवमेंट दे दिया। देखो सेम सेटअप था, यहाँ पे अपना बाइंग लेवल आ रहा था 2070 के करीब, देखो सेम सेटअप अपना हुआ करता हुआ, और देखो तो इसने 3 दिन में ही कितना दे दिया, 2070 से करीब 2700-2800 के बीच चला गया था स्टॉक, यानी ऐसे भी स्टॉक हो गए, इसलिए मैं इसको मोमेंटम स्टॉक बोलते हूँ। तो आप इसको अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। ये अपना दूसरा स्टॉक GTPL हो गया। अभी तीसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जेस इंजीनियरिंग। गाइज ये आप मोमेंटम स्टॉक होते हैं तो इसमें आप अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से, लेकिन टाइप स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा जो बताया, और ट्रेल करके आराम से इसमें मुनाफा ले सकते हो। तो अभी जेस में भी आपको सेम सेटअप रहेगा, देखो 2 घंटे की कैंडल है और आप देखो इधर पुल बैक में है, पुल बैक में 25 के ऊपर है। तो अभी अपने क्या करेंगे, 13-15 की कैंडल नोट करेंगे और उसके बाद की कैंडल देखेंगे। तो इसमें हाई इसका यूज़ करेंगे और लो इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका लो ज़्यादा है। तो लो अपने को पता चल गया 420.10, यानी 420 का लो रखेंगे और 426 इसका ट्रिगर प्राइस है, हाई इसके ऊपर, यानी 426.10। समझ में आया गाइस, 426.10 और 420 का, यानी अपने को करीब इसमें रिस्क कितना है, जब भी ये स्टॉक 426 के ऊपर जाएगा, ये कैंडल की आप देख सकते हो 426 के ऊपर जाएगा तो इसमें बाय करेंगे, और अपना रिस्क रहेगा वो 420 का रहेगा स्टॉप लॉस, यानी रिस्क कितना हो गया, रिस्क अपना ₹6 के करीब हो गया। और प्रॉफिट कितना लेंगे, 400 का स्टॉक यानी 2% यानी कितना हो गया, ₹8 का अपने इसमें रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो ये अपना तीसरा स्टॉक हो गया। अभी मैं आपको चौथा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो आपको थर्सडे के दिन एंट्री मिलती है तो ले सकते हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस। उसमें भी सेम सेटअप अपना रहेगा, 2 घंटे की कैंडल है, आप देख सकते हो ADX 25 के ऊपर है, ये पुल बैक में है, तो अपने इसमें बाय कर सकते हो। तो अपने क्या करेंगे, 13-15 की कैंडल नोट करेंगे, तो उसका हाई है आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में
451.85 और उसका लो है 448.05, तो अपने लो इसका यूज़ करेंगे 448.05, यानी अपने 448 448 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और बाय कब करेंगे स्टॉक को, जब भी ये स्टॉक 451.85 के ऊपर जाएगा तब बाय करेंगे, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो इनवैलिड सेटअप गिनेंगे। तो इसमें अपना रिस्क कितना हो गया, रिस्क करीब 4 रुपीज़ का रिस्क हो गया अराउंड। और अपना टारगेट कितना रहेगा, टारगेट रहेगा वो 8 रुपीज़ का रहेगा, क्योंकि 400 का स्टॉक है यानी 8 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। तो आपको पता चल गया होगा गाइज, अपने को बाय करना है 451.85 के ऊपर जाएगा तभी बाय करना है स्टॉक को, यानी 451.90 10 पैसा में आपको बफर रखने का, यानी 451.95 जाएगा तो अपने इसको बाय कर सकते हो। तो ये अपना चौथा स्टॉक हो गया LIC। अभी पांचवा स्टॉक है जिसका नाम है CESC। गाइस ये स्टॉक मैंने आपको शुक्रवार को भी रेकमेंड किया था, उसका मंडे को टारगेट भी अचीव हो गया था, फिर से वही अपने सेटअप में। इधर देखो मैंने फ्राइडे के दिन इधर सेटअप यहाँ पे दिया था और इधर अपना टारगेट अचीव हो गया था, ये सेटअप पे दिया था मैंने पहले, अभी फिर से वही सेटअप पे आ रहा है। तो इसको अपने फिर से बाय कर सकते हो, 13-15 के कैंडल का हाई लो देख लेते हैं, 680.15 675। तो देखो ये मदर कैंडल है, बात की कैंडल है, मदर कैंडल है, तो अपने इसका हाई लो नोट कर लेते हैं। तो 680.15 के ऊपर जाएगा यानी 680.25, 10 पैसे अपने बफर रखेंगे, तो 680.25 अपने ट्रिगर प्राइस रहेगी। और 675 नीचे 674.90 इसके नीचे 10 पैसा नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, रिस्क रिवॉर्ड करीब देखो रिस्क अपना 5 रुपीज़ का हो गया और रिवॉर्ड कितना हो जाएगा 12 रुपीज़ का। कैसे 12 रुपीज़ का, तो 600 का स्टॉक राउंड फिगर गिनो तो 2% यानी 12 रुपीज़। मैं गाइस परसेंटेज है वो राउंड फिगर में ही गिनता है, तो आप उसको ध्यान में रख सकते हो। जैसे कोई 500 का स्टॉक है 525, तो उसको 10 रुपीज़ का 2%। जैसे कोई 2200 का स्टॉक है तो 22 × 2 यानी 44 रुपीज़ का, ऐसे में टारगेट अचीव करता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मैं नहीं गिनता, इसमें राउंड फिगर ही गिनता हूँ, स्टॉप लॉस में भी राउंड फिगर और उसमें भी राउंड फिगर। तो ये हो गए गाइस पांच स्टॉक, पहले iGrassy है, दूसरा GTPL, तीसरा जेस इंजीनियरिंग, चौथा LIC हाउसिंग फाइनेंस और पांचवा CESC। ये अपने पांच स्टॉक है जो आपको थर्सडे के दिन अगर मैंने बाइंग लेवल बताए वो लेवल के ऊपर मिलते हैं तो आप उसमें एंट्री करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। और अपने गाइस वेनसडे के पांच में से 3 तो इनवैलिड सेटअप थे, 2 स्टॉक अभी ओपन है, ICICI सिक्योरिटी, आप वेनसडे का वीडियो देख सकते हो वेनसडे का, ICICI सिक्योरिटी और फिलिप्स कार्बन ब्लैक। तो इसमें अपना टारगेट कल या परसों अचीव होने की संभावना है, तो आप उसको भी अगर लिया है तो उसको स्टॉप लॉस के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये गाइज अपने थर्सडे के स्टॉक हो गए। तो गाइज इतना ही था वीडियो में, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइज आप वीडियो को लाइक करके जाओ, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक आपको देता रहूँगा, और मैं हर तरह के स्टॉक देता हूँ, स्विंग ट्रेड भी देता हूँ, आप देख सकते हो संडे मैंने दिया था बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, आप वीडियो भी देख सकते हो सारा, तो वो भी है। और मैं डार्क हॉर्स भी देता हूँ, वो सैटरडे को देता हूँ, और बाकी के दिन मैं ऐसे ही स्विंग ट्रेड भी देता रहता हूँ और इंट्राडे देता हूँ। तो प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, जो लोग नए हैं उनको बोल रहा हूँ, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।